नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिम न्यूज़ में। सब्सक्राइब कीजिए हिम न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हिमाचल से जुड़ी सभी नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सके। आज तारीख है 27 अक्टूबर 2020, तो शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। प्रदेश की पहली बड़ी खबर, धर्मशाला में बनेगी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन अकादमी, साइना नेहवाल से होगा करार। कोरोना संकट के बीच शिक्षा मंत्री के लिए खरीद ली गई 18 लाख की नई SUV। 4 संक्रमितों की मौत, प्रदेश भर में 177 नए मामले। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, ड्रोन और CCTV की नजर से बच नहीं पाएगा खनन माफिया। मंडी की रहने वाली TV अभिनेत्री प्रतिका चौहान मुंबई में गिरफ्तार। कंगना का उद्धव को जवाब, बोली आपकी तरह पिता के धन बल के नशे में नहीं है हम। चलिए शुरू करते हैं विस्तार से। हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज, इन फैसलों पर लग सकती है मुहर। हिमाचल में स्कूलों को खोलने और कॉलेज के फर्स्ट और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा लिए अगली कक्षाओं में प्रमोट करने को मंगलवार को फैसला हो सकता है। आज सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें कई एजेंडों पर मंथन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रदेश की अगली बड़ी खबर के साथ। धर्मशाला में बनेगी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन अकादमी, साइना नेहवाल से होगा करार। हिमाचल के धर्मशाला में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन अकादमी खोली जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार देश की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के साथ करार करने जा रही है। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग आजकल MOU करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच शिक्षा मंत्री के लिए खरीद ली गई 18 लाख की नई SUV कार। कोरोना संकट के बीच आर्थिक संकट से गुजर रही प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के लिए 18 लाख रुपए की नई SUV खरीद ली गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने मंत्री के सुगम सफर के लिए अपने बजट से टाटा हैरियर गाड़ी की खरीद की है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के पास पहले से ही एक सरकारी फॉर्च्यूनर और एक इनोवा गाड़ी मौजूद है। प्रदेश से अगली बड़ी खबर, 4 संक्रमितों की मौत, प्रदेश भर में 177 नए मामले। प्रदेश में सोमवार को 177 नए मामले सामने आए हैं। कुल्लू जिला में 34, शिमला में 33, हमीरपुर में 20, कांगड़ा में 25, मंडी में 13, किन्नौर में 12 और बिलासपुर में 10 मामले सामने आए हैं। वहीं चंबा में 8, ऊना में 4, लाहौल स्पीति में 4, सिरमौर में 2 और सोलन में 9 नए मामले सामने आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रदेश की अगली बड़ी खबर के साथ। ड्रोन और CCTV की नजर से बच नहीं पाएगा खनन माफिया। अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए पुलिस अब जिला खनन फंड का इस्तेमाल करेगी। अब खनन माफिया पुलिस की नजरों से बच नहीं पाएगा। जी हां, खनन माफिया पर ड्रोन और CCTV की नजर से बच नहीं पाएगा। DGP संजय कुंडू ने भी SP को निर्देश जारी किए हैं कि वह अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले संवेदनशील इलाकों में निगरानी और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए संबंधित जिले के DC के साथ तालमेल बिठाकर इस फंड की मदद से ड्रोन और CCTV कैमरों की खरीद करें। मंडी की रहने वाली TV अभिनेत्री प्रीतिका चौहान मुंबई में गिरफ्तार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB मुंबई जोनल यूनिट ने TV अभिनेत्री प्रीतिका चौहान समेत 2 लोगों को 100 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी शनिवार को वर्सोवा के मच्छीमार से की गई थी। प्रीतिका को एक अन्य आरोपी फैसल के साथ रविवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कंगना का उद्धव को जवाब, बोली आपकी तरह पिता के धन बल के नशे में नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। कंगना ने ट्विटर पर लिखा कि मुख्यमंत्री, मैं आपकी तरह अपने पिता की शक्ति और धन के नशे में नहीं हूँ। रविवार को उद्धव ठाकरे ने कंगना का नाम लिए बिना मुंबई को POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहने वाले पर हमला करते हुए कहा था कि जिन लोगों ने अपने राज्य में जीविका का कोई साधन नहीं है वे मुंबई आते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हिम न्यूज़ के साथ।